हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे घटनासार करंट अफेयर्स को, जो कि अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स आई हुई है, जिसमें फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक का पूरा डेटा को एनालिसिस किया गया है। और जो आपके आर ओ एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 2023 में और साथ ही साथ UPPCS 2024 में एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए बेहद ही बेनिफिशियल है। और इसी के साथ साथ आज का जो सेशन है, जो आज वाला सेशन होगा, वो यूपी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है लास्ट अक्टूबर में, जो 28 और 29 अक्टूबर को है, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल, और जैसे प्रश्न दिए गए हैं यूपी स्पेशल के, वैसे आपको आर ओ और यूपी पेट में तो देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। इसलिए अगर आप लोग पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अक्टूबर लास्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स के मामले में घटनासार और घटनाचक्र, ये दो ही पब्लिकेशन ऐसे रिलेवेंट हैं जो यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इसके साथ रिस्क मत लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और इसकी अदर पार्ट्स देखने हो, नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल, या साथ ही साथ अगर आपको देखने हो इकोनॉमी वाले, तो आप देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी तैयार कर दी है, जो कि आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज सीधे यूपी स्पेशल पे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके चार सेक्शन को कवर कर लिया, तीन, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और इकोनॉमी। और आज पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश विशेष, फिर इसके बाद हम बचे हुए जो टॉपिक होंगे उनको भी जल्दी कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष, पेज नंबर 118 पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि पेज नंबर 118 से है, और ये आपके पेट में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? तो 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के 5 युवा कवियों को दिया गया। तो पहली बात किसके द्वारा दिया था? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा, और 5 युवा कवियों को दिए गए हैं। और इसके जो साथ में मिलता है एवज में क्या मिलता है, 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और जिन 5 लोगों को दिए गए, उन 5 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, 4 में से एक नाम चेंज कर देगा और पूछेगा किसको नहीं मिला है। जैसे पहला नाम है पंकज प्रसून, इनकी रचना थी तब गीतों ने साथ निभाया। दूसरा है निशा सिंह नवल, मैं निशा हूँ। डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। और कृष्ण कुमार कनक, यानी उलझाता छवि जाल तुम्हारा, वेद मित्र शुक्ल, एक समंदर गहरा भीतर। तो ये 5 कवि हैं जो कि युवा कवि हैं, इनको याद रखना है आपको। और अगला टॉपिक है आपका, अगला करंट अफेयर्स का पॉइंट है, अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। अलीगढ़ से पलवल, और पलवल दोस्तों कहाँ आता है? हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात कि ये 6 लेन का होगा, मतलब ये 6 लेन का हाईवे होगा, इट मीन्स कि बीच में डिवाइडर हो गया। तो 3 लेन इधर हो गई, 1, 2, 3, और 3 लेन इधर हो गई, 1, 2, 3। तो इस तरीके से 3 तरफ जो है कि गाड़ियां आएंगी और 3 तरफ से जाएंगी। तो ये 6 लेन का हाईवे हो गया। इसको नहाई अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। और ये ध्यान देना, यहाँ पे ग्रीन फील्ड हाईवे होगा, जिसपे हरियाली को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यहाँ से कम होगा। ये दोनों ही जगह जो है, अलीगढ़ और पलवल, ये आपस में 3 राज्यों को जोड़ते हैं। एक तो ये यूपी के अलीगढ़ से होकर निकलेगा, NCR से होते हुए जाएगा, इसलिए दिल्ली भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और जब पलवल की ओर बढ़ेगा तो हरियाणा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार होगा। यही बात लिखिए, दिल्ली NCR के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ने के साथ ही ये हरियाणा की सीमा से भी जुड़ता है। और आगे अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसी को मेन अंडरलाइन किया है, स्पेशली लगभग सारे टॉपिक कवर करेंगे हम, जो कि यहाँ से आपको पेट के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इसकी PDF ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट। यानी उत्तर प्रदेश का होगा, जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है या गोरखपुर है, ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यह पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क डेवलप किया जा रहा है यूपी में। भारत का ये पहला नहीं होगा, लेकिन यूपी का पहला होगा। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है LADCS प्रणाली।
क्या होती है ये, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम, अर्थात कि कानूनी संबंधी कोई सलाह से रिलेटेड ये प्रावधान है। तो पढ़ लेते हैं, 22 जून 2023 को प्रदेश की जनता को मुफ्त कानूनी सहायता देने और छोटे छोटे विवादों के समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया गया। तो क्या बात समझ में आई कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो पहले से ही बना हुआ है स्टेट लेवल पर, उसमें 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को शुरू किया गया है। अगर ये अच्छे से काम करेगी, मुफ्त सहायता देने के रूप में कानूनी सहायता और छोटे मोटे विवादों को निपटाने में अगर सफल रहेगी, तो गवर्नमेंट को इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आगे इसका समय बढ़ा दिया जाएगा, 2 वर्ष से बढ़ा के और आगे कर दिया जाएगा। इसका मुख्य लाभ किसे मिलेगा, तो मुख्य लाभ मिलेगा कमजोर वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने में, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास तो इतनी सक्षम होते हैं वो कि अपने कानूनी विवादों के लिए अच्छे अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पुलिस भी सहायता नहीं कर पाती है, या यूं कहें कि चाहे पुलिस की गुंडागर्दी कहिए या फिर पुलिस भी लाचार होती है नियमों के माध्यम से, तो दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे में इन गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग लोगों को, वंचित लोगों को कानूनी सहायता मिल सकेगी राज्य की तरफ से। अगला टॉपिक है इसी में शक्ति दीदी अभियान, अब ध्यान दीजिएगा शक्ति दीदी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाई जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, गौतम बुद्ध नगर से। और इसको किस राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। और इसके अंतर्गत हम शहर, गांव, सोसाइटी, अर्थात कि शहर के, गांव के, सोसाइटी के सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी लिंग की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय, पंथ या किसी भी प्रकार की महिलाएं हों, अगर वो महिलाएं हैं, चाहे वो शहर की हो, गांव की हो, तो उन सभी को ये सहायता दी जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब शक्ति दीदी अभियान के तहत ही महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। अब अगली एक पॉलिसी आती है आपकी, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, जो कि 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। तो जरा अब हम अगले पेज से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखना चाहिए मोबाइल में भी। यहाँ पर इस टाउनशिप पॉलिसी के द्वारा कहा जा रहा है कि निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करते हुए जन सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप का विकास करना है। अब जैसे भारत में जो सबसे पहले टाउनशिप देखने को मिलती है आज़ाद भारत में, तो आप देखोगे चंडीगढ़ अगर कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे सेक्टर वाइज जो है कि पूरा का पूरा चंडीगढ़ को डेवलप किया गया है टाउनशिप प्लानिंग के माध्यम से, कि कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ विद्यालय मतलब मॉल होंगे, कहाँ थिएटर होगा, कहाँ सिनेमा हॉल होंगे, कहाँ पे पार्क होंगे, कहाँ पे कॉलोनियों को बसाया जाएगा, कहाँ पे सीवेज के सिस्टम होंगे, ये सभी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से रखी गई, जिससे चंडीगढ़ में ना जाम की समस्या आती, ना बाढ़ की समस्या आती, ना सीवेज ओवरफ्लो की समस्या आती है। तो यही होता है सुनियोजित तरीके से। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी सरकार के द्वारा ये नीति बनाई जा रही है कि अब यहाँ पर भी एक टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। तो बात करेंगे कि ये टाउनशिप को डेवलपमेंट जो हो रहा है वो क्या होता है, तो टाउनशिप का तात्पर्य होता है ऐसी सुनियोजित और विकसित टाउनशिप से जिसके अंतर्गत सभी भौतिक, सामाजिक, अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने और मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्रावधान किया जाता है। तो मैंने आपको ये तो बताया जैसे पार्क कहाँ बनेंगे, थिएटर कहाँ बनेंगे, मूवी हॉल कहाँ होंगे, और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सभी चीज़ें कहाँ कहाँ बनेंगी, इसका पूरा एक सिस्टमैटिक जो है कि मैप बनाया जाता है, ढांचा तब ये बनती है। और इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप का जो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा, जितने एरिया में कम से कम बनाई जाएगी, अगर वो एरिया 2 लाख से कम आबादी वाला है वो नगर, तो वहाँ पे 12.5 एकड़ में बनाई जाएगी, और अगर वो क्षेत्र 2 लाख से अधिक आबादी वाला है तो उसे 25 एकड़ में बनाया जाएगा। क्योंकि टाउनशिप में जो भवन बनेंगे, जो घर बनाए जाएंगे, फिर उसकी बोली लगेगी, नीलामी लगेगी, तो बहुत सारे लोग उसे खरीदेंगे। तो अगर 2 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे मकान ज़्यादा चाहिए, तो 25 एकड़ में होगी। और अगर 2 लाख से कम आबादी वाले नगर हैं तो कुछ ही लोग तो खरीदेंगे, मैक्सिमम लोगों के पास अपने घर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होते, तो वो इस टाउनशिप में जो है कि फ्लैट खरीदते हैं। और बात करेंगे कि टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पे कोई प्रतिबंध है क्या, तो बिल्कुल नहीं। यानी आप अगर चाहें तो 25 एकड़ से भी अधिक बना सकते हैं या 12.5 एकड़ से भी अधिक बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना होना जरूरी है।
एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपके लिए बन सकता है, चीनी उद्योग से संबंधित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, क्योंकि इससे पहले आपकी महाराष्ट्र जो राज्य है ये सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता था। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हर 2-5 साल पे आगे पीछे होने का रिकॉर्ड या होड़ लगी रहती है, तो इस बार महाराष्ट्र पिछड़ गया और उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पर आ गया। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा, उत्तर प्रदेश आ गया फर्स्ट पे और महाराष्ट्र आ गया आपका सेकंड पर। तो इसके पीछे के जो भी कारण हैं उनको भी समझते हैं। 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 129 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। यानी अप्रॉक्स देख सकते हो कि 105 लाख टन का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ और यूपी में 129 लाख चीनी का उत्पादन किया गया। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं उसको भी कवर करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मैंने जूम को कम कर दिया है क्योंकि उस तरीके से शायद अच्छा नहीं लग रहा था, तो वैसे ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और जबकि महाराष्ट्र में 1,413 यानी 1,413 लाख टन का उत्पादन हुआ। अब क्या सारे का सारा गन्ने से चीनी तो बन नहीं जाती? कुछ गन्ने से जो है कि आप देखो कि गुड़ भी बनता है उसके जूस से, जो आपके कोल्हू लगे होते हैं या छोटे छोटे क्रेशर होते हैं उनसे क्या होता है, गुड़ भी बनाया जाता है और कुछ चीनी मिलों में चीनी का प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो जितना टन जो है कि गन्ना होगा उतना चीनी बने ये जरूरी नहीं है। और चीनी उद्योग जो होता है एक भार हरासी होता है, अर्थात जितना ओरिजिनल वैल्यू होती है वेट की रॉ मटेरियल की, जैसे गन्ना मान लीजिए 1 टन गन्ना है तो 1 टन में जरूरी नहीं है कि 1 टन चीनी भी बन जाए, हो सकता है 50 किलो 40 किलो 30 किलो चीनी बन पाएगी। तो ये भी एक भार हरासी उद्योग होता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिले हैं, तो 157 चीनी मिले हैं जिसमें 118 चीनी मिले ऑपरेट कर रही हैं मतलब चलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में 246 है जिसमें से 210 चीनी मिल चलती हैं। अब एक और नया पहल है, पहल के नाम से ही है, ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया है। 13 मई 2023 को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया। कहाँ से? लखनऊ से। इसको तैयार जो किया गया माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से यह ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और इसमें इस पहल के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब जैसे माना जाता है ना कि शहर में जो है कि शिक्षा के स्तर अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छी फैसिलिटी होती है, तो ग्रामीण स्तर पर भी हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा के उस फैसिलिटी को भी अच्छा करेंगे जिससे शहर और गाँव के बीच में जो दूरी है ये कम हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो 10 विद्यालयों का चयन किया गया है। अब अगले टॉपिक की ओर देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है कि आपका बना है भारत में पहला जो बच्चों के डिजिटल आंकड़े के बारे में बात करेगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया भारत में। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है यूपी। 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। तो लखनऊ का नगर निगम और साथ ही साथ लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत किया गया। लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया गया अभी, और इसके बाद धीरे धीरे हम और भी स्कूलों में इसको इंक्रीज करेंगे यानी वहाँ पे भी प्रयोग करेंगे। बात करेंगे तो इन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा कि अगर इनको एजुकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो 25,000 रुपये की सहायता भी की जाएगी। अब अगला एक टॉपिक है GI टैग से संबंधित। उत्तर प्रदेश के टोटल 54 प्रोडक्ट को GI टैग दिया जा चुका, अगस्त 2023 तक का लेटेस्ट आंकड़ा है। GI टैग कहाँ से दिया जाता है? तो चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 उत्पाद जिसमें आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, इन दोनों को शामिल कर लिया गया GI टैग में। और जून 2023 में यूपी के 7 उत्पादों को दिया गया था जिसमें संबल हार्न क्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोजेक्ट, काल्पी का हस्तनिर्मित कागज, इन सभी को GI टैग दिया जा चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यूपी में 54 प्रोडक्ट ऐसे जिनको GI टैग मिल चुका है। तो बात करेंगे अमरोहा के ढोलक की क्या खासियत है कि कटहल और सागौन की लकड़ी से बनता है। महोबा का गौरा पत्थर है जिसको पायरोफ्लाइट स्टोन भी कहते हैं। संबल हॉर्न शिल्प जो है ये मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से बना हस्तनिर्मित शिल्प है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अप्रैल में भी दिया गया, अगस्त में दिया गया, जून में दिया गया और अप्रैल में भी 10 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया था यूपी में, जिसमें बनारस के ही स्पेशली जो है कि 20 से अधिक प्रोडक्ट है
और आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बनारसी लंगड़ा आम हो गया, बनारसी पान हो गया, रामनगर भंटा हो गया, आदम चीनी चावल जो कि चंदौली के हैं। तो इस तरीके से टोटल टोटल 54 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। अगले टॉपिक को देखते हैं। यूपी सरकार की 800 मेगावाट की दो थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 800 मेगावाट के द्वारा बिजली प्रोडक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने 12 जुलाई 2023 को सोनभद्र के ओबरा में, ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र के ओबरा में दो ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनकी क्षमता होगी 800 मेगावाट, लागत आ रही है 18,000 करोड़ रुपए की। इसको बनाने के लिए यूपी सरकार और एनटीपीसी ये दोनों ही 50-50% की भागीदारी कर रहे हैं, मतलब 50% योगदान यूपी सरकार देगी और 50% आपकी एनटीपीसी देगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और अगर हम आगे देखते हैं तो ये माना भी जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां होंगी जिन्हें 500 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां कहां डेवलप की जा रही है, तो सोनभद्र के ओबरा में की जा रही है। अब एक बहुप्रतीक्षित हमारा, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि इसके न गठित होने की वजह से आपकी टीजीटी की वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कई सारी वैकेंसियां इसमें फंसी हुई हैं। तो इसी वजह से अब इसका गठन हो गया है। तो यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, स्पेशली आरओ में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिल चुकी है और अब उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी इसके द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में होगा। तो अब आपके जो प्राइमरी के एजुकेशन टीचर बनते हैं या यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या इंटर कॉलेज के जो टीचर बनते हैं, तो ये सभी के सभी किसके द्वारा बनाए जाएंगे, अब इसी सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा बनाए जाएंगे। और इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय प्राप्त सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षक, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और साथ ही साथ संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का ये चयन किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि शिक्षा से संबंधित जो भी वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट निकालेगी वो अब किसके तहत कराई जाएगी, इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। अब इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इनको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब केवल एक ही बोर्ड रहेगा हमारे देश राज्य में। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व संस्कृत विद्यालयों को इससे अलग रखा गया, यानी जो टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आईआईटी हो गया या आईटीआई हो गया या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, इनमें और जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं इनमें शिक्षकों की नियुक्ति जो है कि अलग तरीके से होगी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी और इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे और 12 अन्य सदस्य रहेंगे। तो टोटल आप देखेंगे कि 13 मेंबर हो जाएंगे, 1+12, जिनका कार्यकाल होगा 3 साल के लिए या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को हमने 52 साल पर नियुक्त किया तो वो 55 साल में रिटायर हो जाएगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को 62 साल में नियुक्त किया, 63 साल में नियुक्त किया, तो उसके 3 साल होने से पहले ही उसके 65 साल हो जाएंगे। और इस तरीके से अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल सेम रखा गया है। हालांकि इसमें ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन 2 बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकते। किसी भी अध्यक्ष को 2 बार ही बनाया जाएगा अध्यक्ष या 2 बार सदस्य, उसके बाद वो दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे देख लेते हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो कि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत गोमती नगर लखनऊ में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोलने के साथ ही की गई और एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया, यानी लोगों का, ठीक है, एक लोगो बना दिया गया जो नंद बाबा के नाम से बनाया गया होगा। और अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों राजस्थान आपके दूध उत्पादन में पहले नंबर पर आता है और यूपी आपका सेकेंड नंबर पर आता है दूध उत्पादन में। इससे पहले जब ये आंकड़े नहीं आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो यूपी हमारा दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, इस समय आज 9 सितंबर, मतलब 11 सितंबर हो गई है, और आज के डेटा के अनुसार 11 सितंबर 2023 के अनुसार यूपी सेकंड नंबर पे और राजस्थान फर्स्ट नंबर पे हो चुका है दूध के उत्पादन में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न ऐसा आता है दूध उत्पादन के लिए तो आपको क्या उत्तर लगाना है। बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में 5 डेयरी FPO स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी।
और अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क को नोएडा में अनावरण किया गया, यानी जो वैदिक हमारे जो ग्रंथ थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और जो अन्य पुराण उपनिषद थे इन पर आधारित एक पार्क बनाया गया है और एक म्यूजियम बनाया गया है नोएडा में, जिसको अब आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। जो कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में खोला गया है, जनता के लिए ओपन कर दिया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई 2023 को किया था और इसका एक नया नाम दिया गया वेद वन पार्क, यानी वेद वन पार्क इसके नाम से भी इसे जानते हैं, जिसमें लेजर शो दीवार पेंटिंग मूर्तियों के माध्यम से चार वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद अथर्वेद यजुर्वेद सामवेद के अंशों को भी उजागर किया जाएगा, यानी मुख्य मुख्य बातों को उजागर किया जाएगा। इसका निर्माण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, 27 करोड़ रुपए का खर्च था और इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो जो 7 क्षेत्र होंगे वो 7 महत्वपूर्ण ऋषियों के नाम पर हैं, जैसे कश्यप अगस्त्य विश्वामित्र वशिष्ठ अत्रि गौतम भारद्वाज, तो इन ऋषियों के भी नाम आपको याद रहने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि ये आपने जो सुना था पीएम मित्रा, ध्यान दीजिएगा पीएम मित्रा जो था यानी मेगा टेक्सटाइल जो पार्क बनाया जा रहा था वो पूरे भारत में 7 राज्यों में इस्टेब्लिश हो रहा है। कहाँ पे? पूरे भारत में 7 राज्यों में, जो कि मैंने इससे पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। उन 7 राज्यों में आपके यूपी को भी चयनित किया गया है, ध्यान दीजिएगा यूपी को भी चयनित किया गया है। तो यूपी में कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ हरदोई सीमा, हरदोई में एक छोटा सा नगर आता है संडीला नाम से, जहाँ से लखनऊ की फिर शुरुआत हो जाती है बॉर्डर पे। तो लखनऊ हरदोई सीमा पर 1,000 करोड़ से अधिक जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा और इसको 17 मार्च 2023 को मंजूरी मिल चुकी है। संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी इसमें शामिल है। बात करेंगे धनराशि की तो 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि 1 लाख तो डायरेक्ट रूप से और 2 लाख इनडायरेक्टली इसमें रोजगार क्रिएट होने की उम्मीद है और इस पार्क को 1,000 से अधिक यानी 1,033 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। अब चलते हम देखते हैं देश के पहले रोपवे का शिलान्यास जो वाराणसी में किया गया, नरेंद्र मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है वहां से नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहते हैं इसकी आधारशिला रखी है और जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब आप कहोगे सर ये इस तरीके के रोपवे तो हमने देश में कई जगह देखे हैं तो ये पहला कैसे हो गया? तो अभी तक जो आपने देखे होंगे या तो वो हिल स्टेशन पर होंगे, यानी कि एक तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी कह सकते हो या एडवेंचर एक्टिविटी के तहत, या फिर धार्मिक स्थानों पे। जैसे आप जाओगे हरिद्वार में तो हर की पौड़ी के बाद एक मंदिर पड़ता है वहाँ पे, माता शीतला मंदिर है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम क्योंकि मैं वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर भी ये व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है। आप नैनीताल या हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटी में ये देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी शहर में जाम से त्रस्त लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए यानी जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस तरीके की शहर में कोई व्यवस्था की गई हो ये देश में पहली बार है। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि ट्रैफिक की समस्या दुनिया में ऐसा लापाज में किया जाता है और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे हैं। हालांकि ये बनारस में कहां से कहां तक बनाया गया, जो बनारस के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक के बीच में काफ़ी जाम लगता है और ये लगभग 3.8 किलोमीटर का होगा जिसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। कैंट से बैठेगा आदमी तो विद्यापीठ उतरेगा जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, फिर वहां से आगे बढ़ेगा तो रथ यात्रा पे उतरेगा, रथ यात्रा से आगे बढ़ेगा तो गिरजाघर पे उतरेगा और गिरजाघर से आगे बढ़ेगा तो गोदौलिया पे उतरेगा और गोदौलिया के मार्केट के बाद महादेव विश्वनाथ जी का मंदिर है जिस कॉरिडोर को मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया था, आज वहाँ पे लाखों की भीड़ जो है कि दर्शन करती है। तो ये वहाँ तक की पूरी कनेक्टिविटी है जिससे भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री जो बनारस में आते हैं उनको क्या है कि जाम से मुक्ति मिलेगी और कम समय में ही जो है कि मैक्सिमम विजिट कर सकेंगे वो। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है बर्थोलेट, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अब हम देखेंगे सम्मान के बारे में बात करेंगे क्योंकि सम्मान से कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, तो विश्व भारती सम्मान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया। इसमें 5,01,000 रुपये और साथ ही साथ एक अंग वस्त्र यानी कि एक शॉल वगैरह दी जाती है इसमें। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का खेल सम्मान, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमनवेल्थ
और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी दिवस कब होता है 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। तो हमारे राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? लक्ष्मण पुरस्कार है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 के लिए मिला था ज्योति शुक्ला को, हैंडबॉल के लिए कानपुर की रहने वाली है, नेहा कश्यप को जो कि मेरठ की रहने वाली है बुसू में, और 2021-22 के लिए मिला था मनीष भाटी को जो गौतम बुद्ध नगर बुसू में, और तरुणा शर्मा जो कि जूडो के लिए मिला था। तो ये तो हो गया रानी लक्ष्मीबाई जो कि 2020-21 और 21-22 के लिए पुरस्कार मिला। वहीं लक्ष्मण पुरस्कार भी मिला जो कि राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में मिला है लखनऊ के मोहित यादव को, राहुल दीप वाराणसी के, जनार्दन सिंह गाजीपुर के, और बात करें 2021-22 की तो मोहम्मद आरिफ गोरखपुर के, राधे श्याम सिंह आजमगढ़ के। वहीं इसमें दिव्यांग जन श्रेणी में भी सुहास एलवाई जो कि पैरा बैडमिंटन लखनऊ, और विवेक चिकारा जो कि मेरठ के हैं, और दीपेंद्र सिंह संभल के हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप इनके खेल को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे नया टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की खेल नीति जारी की गई जो कि प्रदेश की पहली खेल नीति होगी। 10 मार्च 2030 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है पहली खेल नीति 2023 यूपी की, और इसके तहत खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए नए नए प्रावधान किए गए हैं। जैसे खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है वैसे ही आपका एक राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। और इसी के साथ प्रत्येक विद्यालय में भी अब 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा और योग के लिए निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक विद्यालय का मतलब चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे अपर प्राइमरी हो, या फिर आपका इंटीग्रेटेड स्कूल हो, या फिर आपके इंटर कॉलेजेस हो, हर स्कूल में 40 मिनट का से जो पीरियड है वो फिक्स कर दिया गया है। और 14 सेंटर इसमें खोले जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी तैयार किए जाएंगे, और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर, यानी कि 14 सेंटर तो यूपी में खोले जाएंगे जहां पे इनका प्रदर्शन अच्छा किया जाएगा, और 5 सेंटर ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही एकदम टॉप लेवल के होंगे जहां से सेलेक्ट करके भेजा जाएगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और बात करेंगे अगर हम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पुल तैयार करने में मदद मिलेगी, और खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष भी बनाया जाएगा जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा, जैसे उनको बीमा वगैरह दिया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। और इसी खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा कि अगर उन्हें एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान अगर खिलाड़ियों को चोट लग जाती है तो उनके इलाज के लिए प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी, लगभग 5 लाख का बीमा देगी। और खिलाड़ियों को इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी के जो खिलाड़ी होंगे वो बेसिक होंगे, ग्रास रूट, जो जमीनी स्तर के होंगे, जिनको शुरुआती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दूसरी श्रेणी के होंगे जो पहली श्रेणी को क्रॉस करके आए होंगे, मतलब डेवलपमेंट की होगी, थोड़ा एडवांस लेवल होगा, और तीसरा रहेगा, तीसरी श्रेणी यानी एलीट क्लास, जो कि सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा करेंगे राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो हम देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। अब डबल डेकर हाईवे क्या होता है? नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ध्यान दीजिएगा यही जुड़वा शहर है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है, और यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो प्रयागराज में प्रदेश का सबसे लंबा पुल तैयार किया जा रहा है। क्यों तैयार किया जा रहा है भाई? पहले से ही उसमें तो एक दो दो पुल बने हुए हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? तो महाकुंभ जो 2025 में लगने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ कहाँ लगेगा इस बार, इलाहाबाद में लगेगा, क्योंकि हर 12 साल पे जो है कि 4 नगरों पे या 4 शहरों में महाकुंभ लगता है, जैसे इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, और एक नगर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वो कौन सी 4 जगह हैं। एक तो इलाहाबाद, एक हरिद्वार, एक आपका उज्जैन बता दिया एमपी का, और एक दक्षिण भारत का क्षेत्र है
इतना मैंने हिंट दे दिया, अब आप बताइएगा। तो इस बार यूपी के इलाहाबाद में महाकुंभ लग रहा है 2025 में, और प्रदेश की सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है गंगा नदी पर, जो कि नैनी से लेकर झूंसी के बीच में होगा, लगभग 3.2 किलोमीटर का, और अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में प्रारंभ होकर अक्टूबर 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा, ताकि महाकुंभ जब 2025 में शुरू होगा तो उस समय जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो भीड़ होगी पूरे देश की, उसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि वहाँ पे पुल के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और भीड़ ज़्यादा न हो पाए। इसके लिए 3200 करोड़ रुपए की लागत होगी। और इससे पहले बलिया में गंगा के शिवरामपुर घाट पर बना 2.8 किलोमीटर का लंबा जो पुल था, जनेश्वर मिश्र सेतु, प्रदेश के सबसे लंबे पुल के रूप में दर्ज था, लेकिन अब ये उससे भी ज़्यादा बन रहा है, लगभग 400 मीटर अधिक बन रहा है, और ये हो जाएगा आपका नैनी और झूंसी पर। देखिए, अभी तक तो जो हमने टॉपिक पढ़े वो स्पेशली फोकस किए गए थे किस पे, आरओ पे थे, आरओ, और थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि यूपी पेट के एग्जाम में भी आ सकते थे। लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, यूपी का तथ्य सार, यानी वन लाइनर फैक्चुअल, ये पूरी तरीके से यूपी पेट 2023 के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर लेना है तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है, और घटना सार या फिर घटना चक्र, इन्हीं दो मैगजीन से मैक्सिमम जो है कि आपके यूपी स्पेशल के प्रश्न फंसते हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस तथ्य सार को, जहाँ से आपके 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का तथ्य सार क्या है। इसमें भी बस मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और जो रिपीट हो चुके हैं ऊपर के टॉपिक में, उसे हमने छोड़ दिया है। जैसे 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 के बीच में कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर पदक अपने नाम किया, तो सोनम ने किया है, जो कि अमरोहा की है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, और विश्व की पुलिस खेलों में जो है कि मतलब ये प्रोग्राम हो रहा था कनाडा में, तो इसमें उन्होंने क्या किया, एथलीट सिल्वर पदक जीत चुकी हैं। अगला है आपका G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। और ध्यान दीजिएगा, UPPCS 2023 में G20 से रिलेटेड एक सीधा प्रश्न आया था, जो मैंने करंट अफेयर्स में कराया भी था, PCS से पहले मैंने करा दिया था, और मैंने कहा भी था बार बार कि ये प्रश्न आएगा कि G20 के किन 4 शहरों में जो है कि सम्मेलन हो रहे हैं यूपी में, और उसमें सीधा प्रश्न था। तो इस बार आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, RORO और पेट में जरूर पूछा सकता है। तो पुस्तक मेले का आयोजन तो लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, अलीगढ़ में किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, चलिए, किस विश्वविद्यालय ने मतलब में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया गया, तो APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ में, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गाजियाबाद में। मतलब कि आप देख सकते हो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको फूड सेफ्टी मतलब फूड सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बोलते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण जो केंद्र खोला जा रहा है नेशनल लेवल पर, ये कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये खोला जा रहा है आपका गाजियाबाद में। सभी किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सी पहल शुरू की है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये सभी किसानों पे लागू होगी, राज्य के जो भी होंगे, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, तो आपसे पूछ लेगा किस राज्य सरकार की योजना है, तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए। बात करेंगे लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा, ये कहाँ पर ओपन होगा, कानपुर में होगा, और ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना है, जो कि 2 ताप विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं NTPC और यूपी सरकार के सहयोग से, जिसकी क्षमता कितनी है 800 मेगावाट, तो ये ओबरा सोनभद्र में बनाई जा रही है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्वा धवन जो कि लखनऊ के हैं, तिरंगा फहराया इन्होंने कहाँ पर अभी हाल ही में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में है। सभी सरकारी स्कूलों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है यूपी सरकार के द्वारा, तो स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक, यानी कि संपर्क स्मार्ट शाला और स्मार्ट ब्लॉक, ये सभी सरकारी स्कूलों के लिए शुरू की गई है। और अगला प्रश्न है कि किस प्रौद्योगिकी संस्था ने आत्मघाती ड्रोन विकसित किए, तो IIT कानपुर। भाई अगर बात करें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, तो आपको IIT कानपुर ही लगाना चाहिए या फिर IIT BHU। प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है, तो लखनऊ में है। यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आज़ादी से पहले साक्षर लोग ज़्यादा हुआ करते थे, फिर आज़ादी के समय अंग्रेजों के शोषण के समय, और वर्तमान में 2011 के आंकड़े के अनुसार कैसे लोगों के साक्षरता का दर बढ़ता गया, सरकार के क्या क्या प्रयास थे, ये सभी चीज़ें आपको म्यूजियम के माध्यम से लखनऊ में देखने को मिलेगी।
अगला प्रश्न है, गौ वंश संवर्धन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कबड्डी खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया राज्य सरकार के द्वारा? तो राहुल चौधरी को। G20 की आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? अरविंद कुमार को चुना गया। यही सब वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, जो सीधे आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हो कि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं आपको ROAR में और यूपी पेट में भी। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की पहल शुरू की गई है किस नाम से? तो पहल के नाम से ही। और राज्य सरकार ने किस नाम से राजस्व वितरण ऐप लॉन्च किया? रेवेन्यू कोड ऐप। इसके माध्यम से राज्य सरकार राजस्व का वितरण करेगी। बात करेंगे जुलाई 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में हुआ। कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो 15 जिलों में होगा। भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई? तो गाजियाबाद में। ध्यान देना, पुलिस संग्रहालय की बात हो रही जो कि देश का पहला है, इसकी गाजियाबाद में स्थापना हो रही है। प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा? BHU वाराणसी में। 2023 में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? तो सुथनी गांव एक है गोरखपुर में, वहीं पर स्थापित किया गया। सरकारी स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट अलंकार। जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप देखोगे स्कूल क्या होते हैं, टाइल्स के बने होते हैं, बाथरूम में बहुत सैनिटेशन सफाई होती है, और क्लासरूम में भी स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, हर तरीके के बोर्ड होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, वेंटिलेशन, पंखे वगैरह अच्छे तरीके से होते हैं। तो ऐसे ही जो कॉरपोरेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल, इसी तरह से जो है कि हम सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट अलंकार को शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं और क्या पॉइंट होंगे इसमें। मई 2023 में मिलेट्स महोत्सव यानी मोटे अनाज का महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? आगरा में। प्रदेश का पहला पशु विद्युत सवदाग्री यानी कि पशुओं को जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से सवदाह किया जाएगा, तो ये जालौपुर वाराणसी में एक जगह है वहीं पे। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ खोला गया? ललितपुर में। थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो बलरामपुर, जो कि नेपाल की सीमा से संबंधित है, हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य जिला है बलरामपुर। भारत में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था डिस्कस में। बात करेंगे रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया किसके नाम पे? रानी रामपाल के नाम पर। वहीं किस शहर में सेरी कल्चर मेले का आयोजन किया गया था? तो गोरखपुर में किया गया। नई विदेशी व्यापार नीति जिस पे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है राष्ट्रीय घटनाक्रम में, नई विदेशी व्यापार नीति के तहत उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो वाराणसी है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, और इसके साथ एक और शहर है जिस जो हरियाणा में आता है, तो वो आपको देख लेना होगा। बाकी यूपी की 3 शहरों को जो है कि नई विदेश नीति जो केंद्र सरकार लेके आई है, भारत सरकार 2023 में, उसके अंतर्गत ये 4 शहरों को जो है कि नए रूप में जो है कि डेवलप किया जाएगा एक्सीलेंसी के रूप में, जिसमें 3 यूपी के ही हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? आगरा में। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री बनाई जा रही है हरदोई में, हरदोई उत्तर प्रदेश में। और 4th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आजमगढ़ में किया जा रहा है। वहीं बात करेंगे कि प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 28। अगर हम बात करें कि पूरे देश में सबसे पहले कहां पे सेमीकंडक्टर इकाई लग रही है, तो आपके गुजरात में लगेगी। लेकिन अगर प्रदेश की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर। अब आप लोग ये मत सोचिएगा सर कि ये वाले जो टॉपिक हैं ये क्यों छोड़े जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, यूपी पेट के 2 पेपर आप देख चुके हैं, ये तीसरी बार पेपर हो रहा है, आपने 21 में दिया, 22 में दिया और अब 23 में दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस सेगमेंट के प्रश्न होते हैं, या ROAR में देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें रटने से बेहतर है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहें जहाँ से प्रश्न अगर आते हैं तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज किसने की? तो BHU के वैज्ञानिकों ने खोज की, यानी BHU के शोधकर्ताओं ने, BHU मतलब वाराणसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में मनाया गया? तो चित्रकूट में। ये ग्लास स्काई वॉक क्या होता है दोस्तों? तो इस तरीके से शीशे का एक वो बना होता है चलने के लिए, पुल टाइप का, जिसके नीचे आपको बहुत गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं, जैसे आप रील्स में देखते होंगे चाइना में, कोरिया में, ऐसे देखने को मिलते होंगे। आप साउथ इंडिया में भी देख सकते हो कि लोग इस पर चढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि शीशा टूट ना जाए, तो इस तरीके का ग्लास स्काई वॉक बनाया गया। वहीं आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पे,
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन है, ये पूछा जा सकता है। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजन कहाँ पे हुई थी, तो जो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो वाराणसी में हुई थी। हालांकि SCO के लिए पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी यानी काशी को ही दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में सबसे उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। प्रथम यानी युवा जो है आपके यूपी के जो युवा है, चाहे वो यूट्यूबर के माध्यम से चाहे इंटरेस्ट के माध्यम से, वो सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलते हैं यूपी में। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया गया था, तो बस्ती में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो कि 24 जनवरी को होता है, 2023 की थीम क्या थी, तो इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस बार जब 24 जनवरी से 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को जो है कि आयोजित किया जा रहा था, तो उसमें थीम रखी गई थी इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला है किन चार शहरों में G20 की मीटिंग्स हुई थी, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में, वाराणसी में। और यही चार ऑप्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपके PCS में था, जो कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा और UPPCS 2023 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आ गया। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि योगी सरकार ने नगर निकाय के जो चुनाव थे, जो आपके 11 तारीख को हुए या 11 मई को आपके पश्चिमी यूपी में, और एक और डेट थी शायद 9 थी या 16 ऐसी कुछ थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें OBC आरक्षण को लेकर जो है कि चुनाव में लेट हो गया था, तो हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के नेतृत्व में गठन किया गया। किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाया जा रहा है, तो वाराणसी में। सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए। अगला पॉइंट है आपका, यह अगला प्रश्न होगा कि मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन गई है, सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा टेनिस खेलने वाली नहीं है, बल्कि ये एक फाइटर पायलट बनी हुई है जो भारत की पहली मुस्लिम महिला होंगी, और ये मिर्जापुर से बिलोंग करती है, हमारा वही मिर्जापुर जो कालीन भैया का मिर्जापुर था। 41वें रामायण मेले का आयोजन अयोध्या में किया गया, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो साहित्यकार जिनको हिंदी और उर्दू भाषा के वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन कौन थे वो प्रयागराज के, एक थे बद्री नारायण जिनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, और दूसरे अनीस अशफाक जिनके उर्दू उपन्यास है अबाब सरब। आगे बात करेंगे लंपी वायरस से संबंधित, ये जो जानवरों में हो रहा था, पशुओं में स्पेशली गायों में हो रहा था, जिनकी वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके खुर में जो है कि प्रॉब्लम हो रही थी पैरों में, और इसके सबसे अधिक जो टीके दिए गए 1.58 करोड़ टीका करने वाले देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो लंपी वायरस से निपटने के लिए सबसे सक्रिय भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश ने। वहीं पुलिस कमिश्नर पद प्रणाली जो कि कमिश्नरेट पद्धति कहते हैं, 2022 नवंबर 2022 में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में लागू की गई थी, और इससे पहले ऑलरेडी चार शहरों में हो चुकी थी, जिसमें आपका कानपुर आता है, लखनऊ आता है, वाराणसी आता है, और एक शहर आपके लिए मैंने छोड़ दिया, जिससे आप लोग भी अपना माइंड चलाया करिए, थोड़ा बहुत गूगल पे विजिट किया करिए, ताकि चीज़ें याद होती हैं जल्दी। तो टोटल 7 जिलों में हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 मैंने बता दिए, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, तो एक जो बच रहा है वो आप बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन आयोजित किया गया था, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे इंडिया और अफ्रीका ये दोनों ही एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, ये ग्रेटर नोएडा में हुई थी। आप लोग फीफा वर्ल्ड कप देखे होंगे, 2022 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो यहाँ के लिए जो ट्रॉफी बनी थी और बॉक्स का निर्माण हुआ था, इसका निर्माण आगरा में किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण था वो आगरा में किया गया था दोस्तों। और हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में स्थित है। ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। और जो 3 हैं, एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक दुधवा टाइगर रिजर्व जो आपका लखनऊ में है, वो सॉरी लखीमपुर में दोस्तों, लखीमपुर खीरी में, और एक आपका आता है अमनगढ़ जो है कि टाइगर रिजर्व जो आपके बिजनौर में स्थित है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश कि किस पर्यटन स्थल को 2041 तक नेट जीरो कार्बन मुक्त कर देना, 2041 तक, तो ये आपका हो जाएगा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए, कौन सा पर्यटन स्थल होगा, मथुरा वृंदावन को कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला, तो प्रयागराज जंक्शन को, जिसमें ये बताया जा रहा है
कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के द्वारा कि जो रेलवे में जो भोजन दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी क्वालिटी के भोजन को दिया जा रहा है जो कि गुणवत्ता युक्त और पोषण युक्त है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण अप्रैल 2023 में जो आयोजित हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुए थे? ये लखनऊ में आयोजित हुए थे। फिर अगला प्रश्न है आपका, हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में, घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया कहाँ पर? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में, किस जिले में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना चाहिए। गुरु नानक जी की 553वीं जयंती के अवसर पे 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादे पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है, तो ये लखनऊ में किया जा रहा है विश्व के पहले, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी पार्क गुरु नानक जी के लिए नहीं बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये योटा D1 के द्वारा, और इसका निर्माण किया जा रहा है हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में, किया गया कहाँ पे? लखनऊ में। और अगला पॉइंट है आपका, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वाराणसी में, और यहीं से इन्होंने असम के डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज को लॉन्च किया था, याद होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये MNNIT जो कि मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है प्रयागराज में, वहाँ पर हुआ। और आगे देखते हैं, असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव कहाँ से था? वाराणसी से था। फिर आगे देखते हैं, देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में सर्वोच्च रहा? तो ये आपका बरेली के पास शाहजहांपुर जिला है, वो रहा। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए गए BHU वाराणसी के द्वारा। गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है इजराइल के सहयोग से, अर्थात किस देश के दूतावास द्वारा? उत्तर प्रदेश के, मतलब गाजियाबाद में ये शुरू किया गया था, तो इजराइल के सहयोग से शुरू किया गया कि मासिक धर्म पे प्रोजेक्ट सारस जो शुरू किया गया है। फिर आगे देखते हैं, 2022 में PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया? तो 1780, ये उत्तर प्रदेश के 1780 स्कूल चुने गए। स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश आपका, ये पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों के निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य बन गया है, और उत्तर प्रदेश में ही एक रामपुर पड़ता है बरेली और मुरादाबाद के बीच में, जहां से देश के पहले अमृत सरोवर का निर्माण करके उद्घाटन किया गया इस योजना के पूरे देश में। बात करते हैं नगर निगम की, तो अब नगर निकायों की जो संख्या हो गई वो टोटल कितनी है? 762, ये याद रखना आप लोग। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क खोला जा रहा है लखनऊ में, किसकी तर्ज पे? सिंगापुर की तर्ज पे। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में, जिसकी थीम क्या है? सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी एक कोरे कागज की तरह आप अंदर आइए इसमें एजुकेशन सिस्टम में यूपी के टाउनशिप में, और आप मल्टीपल टैलेंट लेकर आप बाहर निकलिए। आगे देखते हैं, 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की थी, और देश भर के 46 शिक्षकों को यह सम्मान मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक हमारे शामिल थे, खुर्शीद अहमद। और ये मैं आपको बता दूं, ये पूर्वांचल से संबंधित है, गोरखपुर महाराजगंज इन्हीं में से किसी एक, और इन जिलों का नाम आपको बता देना है कि किस जिले से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस शहर को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया? तो अयोध्या सिटी को। और यहाँ पे लास्ट हमारा पेज चलेगा, बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां प्रत्येक घर में आरओ का पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, भड़तौल गांव है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार की रेटिंग कहां पे दी है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फरुखाबाद, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो फरुखाबाद है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बुलंदशहर जिला भी है हमारा जो खुर्जा के पास है, तो इसकी जेलों को, यहाँ के जो केंद्रीय कारागार है, इन दोनों जेल के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो कैदी हैं उनको बहुत ही अच्छा भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जा रहा है, और उनको गुणवत्ता युक्त और पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है, इसलिए इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। आप लोग अगर लखनऊ के आसपास हैं तो जरूर जाइएगा, लुलू मॉल काफ़ी अच्छा है अंदर से। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा, किसके द्वारा कराया जा रहा है? टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं, देश के
पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिएगा, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को कहाँ शुरू किया जा रहा है? मथुरा में। देखिए जो देश से रिलेटेड होता है ना कि देश में पहला, देश में सबसे पहले, या देश में रैंकिंग क्या है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आने की संभावना रहती है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसे दिया गया? तो असीम अरुण जी को दिया गया है। और अभी हाल ही में हरियाणा में संपन्न हुए तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या थी? तो 12वें स्थान पे था, जिसमें 6 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य पदक के साथ टोटल 42 पदक जो है कि जीते गए थे। फिर आगे देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2020 के बीच मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 की प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो पल्लवी सिंह ने जीता, जो कि कानपुर की रहने वाली है, और ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, जिसमें 7 पर काम चल रहा है और 6 संचालित, यानी कि 6 ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसपे गाड़ियां फोर व्हीलर चल रही हैं और 7 पे काम चल रहा है। अगला टॉपिक है यहाँ पे, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? ई पेंशन पोर्टल। अगला है, अप्रैल 2022 में बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। ये पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को सम्मानित किया, ये कजरी से सम्मानित है, कजरी भी गाती हैं। मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा? तो सरधना कस्बे में रखी गई है, सलवा कैली गांव में। अगर आपसे बस इतना ही पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो मेरठ में, आई सरधना कस्बा हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, तो रामपुर में, क्योंकि सबसे पहला जो अमृत सरोवर की उद्घाटन किया गया था वो आपके रामपुर से ही नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये था दोस्तों आपके यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न, और अब हम आगे देखेंगे बिहार स्पेशल और साथ ही साथ समसामयिक की अर्धवार्षिकी, जो कि आपके चर्चित व्यक्ति पुरस्कार और खेल इस संबंधित प्रश्न होंगे, जहाँ से आपके यूपी पेट और साथ ही साथ आपके आर ओ में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी यूजफुल ये सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ का आपको वहीं पर मिल जाएगी, वहां पर पीडीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉच।